मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने 24 घंटे के भीतर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता कर SSP जयंत कांत ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान ASP पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से दर्जनों कांड का उद्घाटन हुआ है। SSP जयंत कांत ने बताया कि 3 थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं होने की चांसेस थे। ASP पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने बरुराज, मोतीपुर और कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान 5 हथियार और 10 गोली बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बरुराज और करदा थाना क्षेत्रों में घरों और ज्वेलरी की दुकानों में हो रही चोरी के बाद इस मामले में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक स्वर्ण व्यवसायी है और दूसरा एक अपराधी है। इसके पास से काफी मात्रा में चोरी के सामान बरामद हुए हैं। इस तरीके से अपराध की रोकथाम में पुलिस को सफलता हाथ लगी। मुजफ्फरपुर पुलिस को पिछले 24 घंटों में अपराधियों की रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा 3 थाना क्षेत्रों में लगातार कई घटनाएं होने के चांसेस थे। इस मामले में ASP वेस्ट इमरान मसूद के साथ में एक टीम बनाई गई। उन्होंने बरुराज थाना, मोतीपुर थाना और काटी थाना में कई अन्य टीमों के साथ में रेड किया। रेड जिस दौरान 5 हथियारों के साथ में, जिसमें एक पिस्टल है, 10 गोलियां हैं, उसके साथ में पुलिस को लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस के उद्भेदन में सफलता मिली है। इसमें बरुराज और करजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार घरों में चोरियां हो रही थी और ज्वेलरी शॉप्स में भी चोरी हो रही थी। इस मामले में पुलिस की टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक स्वर्ण व्यवसायी है और दूसरा अन्य क्रिमिनल है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य जगहों में रेड में 4 हथियारों के साथ में अन्य 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। सर, उसकार का क्या भूमिका रहता है? ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है, तुर्की थाना क्षेत्र से जेल गया हुआ है और ये रिसीवर की भूमिका में था। और लगभग 15 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें चोरी का माल इसने खरीदा है और इस प्रकार पुलिस ने इसको अरेस्ट करके चोरी के केसेस में काफ़ी बड़ी संख्या में रोकथाम में मदद मिली। इनके पास सामान भी बरामद है? इनके पास से सामान भी बरामद है। इसके अलावा इनके पास से एक हथियार भी बरामद है और अन्य सामान भी बरामद है।